नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। अरुण जेटली की जयंती पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि बिहार से अरुण जेटली का एक अलग लगाव था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधा मिलाकर वो देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है वो सोचते थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड क्या करना चाहती है और क्या करना नहीं चाहती है। सबसे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। जयंती है, किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं जेटली जी को? देखिए, सरदे अरुण जेटली जी का बिहार के प्रति एक विशेष प्रेम भी रहा और लंबे समय से तक भारत की राजनीति में छात्र आंदोलन से लेकर लंबे समय तक इस भारत के निर्माण में सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत को कैसे और मजबूत किया जा सकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर लगातार इस देश के विकास के लिए चिंता और चिंतन करते रहे। नीतीश जी ने कहा है कि वो अगले अध्यक्ष नहीं होंगे, अध्यक्ष पद को लेकर जो है कंट्रोवर्सी चल रही है वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है 2024 और 25 में भाजपा की सरकार बनाना। ऐसा कोई मामला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा कोई गठबंधन जनता दल यूनाइटेड से नहीं होगा। स्पष्ट मानना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे महागठबंधन को हराने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि मीडिया में है हमारे जातीय जनगणना को नहीं दिखाया जाता है, अफवाह फैलाया जाता है ललन सिंह को लेकर, इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है। जातीय जनगणना में उन्होंने क्या किया है यही तो जानना चाहते हैं। मेरे को पता नहीं है, आपको पता होगा तो आप बताएंगे। आपकी जाति, उम्र, आपका इतिहास, आर्थिक रूप से सर्वे क्या हुआ है? यदि आपका हुआ है तब तो हमें कुछ नहीं कहा। बिहार की जनता को शक है कि आपने जिस तरह अंग्रेजों ने लिख देने का काम किया था वही काम आपने किया। कोई मैकेनिज्म नहीं है। 1931 में जातीय सर्वे का काम अंग्रेजों ने किया तो लिख दिया। आज ये 2023 है तो 2023 में आपको बताना पड़ेगा ना कि फलाना व्यक्ति का पूरा इतिहास क्या है, वो लिख के दिए कि नहीं स्वयं। वो कहते हैं कि हमारे शिक्षक गए, उन्होंने जांच करके लाया, लेकिन ये फॉर्मेट में तो आना चाहिए। आधार कार्ड में हम जैसे ही डालते हैं तो ओटीपी मांगता है, मैकेनिज्म लाओ। निष्ठा का सवाल कहाँ से उठता है? ये लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद जी ने 15 साल बिहार में राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण देने का भी काम नहीं किया। दरवाजे बंद है नीतीश जी के लिए सर। तो आपने देखा, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अरुण जेटली के जयंती पर उन्हें याद किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, कार्यकारिणी परिषद की बैठक होनी है और इन दिनों लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जो है वो जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। जब ये सवाल सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जनता दल यूनाइटेड क्या कुछ कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीजेपी आने वाले समय में जो 24 और 25 का चुनाव होना है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ देश के साथ साथ बिहार में भी सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।